ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज के बेटियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर राशि वालों का 5 नवंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा। आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके घर परिवार के बारे में। दोस्तों, घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपके घर परिवार का माहौल, आपके घर का वातावरण खराब हो गया था, तो अपने घर के माहौल को, अपने घर के वातावरण को आपको अच्छा, बेहतर और मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान जिस काम को करने से आपको खुशी मिले, आप वही काम करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के मामलों में आपका समय, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुक गया था, कहीं फंस गया था, तो अपने रुके हुए धन को आपको प्राप्त करना होगा, क्योंकि आने वाले समय के दौरान इस काम को करने में आपका समय, आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। दोस्तों, आप में से जो भी दर्शक, जो भी जातक नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आने वाले समय के दौरान आपके नौकरी के क्षेत्र में, आपके जॉब के क्षेत्र में आपको जो भी काम दिया जाए, आपको जो भी टास्क दिया जाए, तो उस काम को मेहनत, ईमानदारी और एकाग्रता के साथ आपको पूरा करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको अवश्य मिलेगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान आपके लिए भाग्यशाली रंग है काला और नीला। आने वाले समय के दौरान आपके लिए भाग्यशाली अंक है 8, यानी कि 8। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान आप स्नान ध्यान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें। अपने पूजा पाठ से आप बजरंग बली को खुश करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।